इनोवा। ये एक ऐसा नाम है जो अपने कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंट इंजन, राइड क्वालिटी और पावरफुल इंजन के नाम से जाना जाता है, चाहे वो फर्स्ट जेन टोयोटा इनोवा हो या फिर उसके बाद इनोवा क्राइस्टा और या फिर लेटेस्ट इनोवा हाई क्रॉस। एमपीवी सेगमेंट में इनोवा ने अपनी एक पकड़ बना रखी है और उसी पकड़ को पूरा करती है इनोवा हाई क्रॉस अपने डायनामिक डिज़ाइन, एम्पल स्पेस फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड इंजन के साथ। अब तक आपने काफ़ी सारे वीडियोस इनोवा हाई क्रॉस के देख लिए होंगे और ये वीडियो डेडिकेटेड है इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड इंजन के सिटी फ्यूल एफिशिएंसी रन पे। इस वीडियो में हमने अराउंड 90 किलोमीटर्स इनोवा हाई क्रॉस को विद इन द सिटी चलाया, उसके बाद एक टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस पे फ्यूल रन करने के बाद इसकी जो माइलेज आई उसे कैलकुलेट किया। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी एस्पेक्ट के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट शुप्रांशु, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये है इनोवा हाई क्रॉस ZX ऑप्शनल वेरिएंट। डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी MPV देखने को मिलती है। फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक काफ़ी डायनामिक सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, नीचे LED DRLs मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। डायमेंशंस अगर आप देखें, लेंथ अगर आप देखें गाड़ी की, तो काफ़ी लंबी लेंथ आपको मिलती है, काफ़ी बड़ा व्हील बेस मिल जाता है जो इसके MPV करेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। रियर प्रोफाइल में भी आपको कुछ ऐसा मेजर नहीं मिलता है, रियर भी आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं और उसके साथ ही साथ ZX और हाइब्रिड की बैजिंग और इसके साथ यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग। तो यहाँ पे जो आपको बूट मिलता है वो आपको यहाँ पे पावर टेलगेट मिल जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप थर्ड रो को पूरा फ्लैट करके काफ़ी सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। अगर थर्ड रो आपकी यूज़ नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे सूटकेसेस लेके ट्रैवल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको थर्ड रो का एक्सपीरियंस जानना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इनोवा हाई क्रॉस VX ऑप्शनल का रिव्यू लाइव है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ उसे भी देखना ना भूलें। तो यहाँ पे सामान रखने के बाद आप इसे ईजिली यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, जो इसे और बेटर प्रैक्टिकल MPV यहाँ पे बना देता है। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL 9 स्पीकर ऑडियो सिस्टम विद अ सबवूफर, पावर्ड सीट मिल जाती हैं आपको मेमोरी फंक्शन के साथ। रियर की अगर बात करें तो आपको सेकेंड रो में ऑटोमन सीट्स मिलती हैं, स्पेशली ZX ऑप्शनल वेरिएंट में ऑटोमन सीट्स के साथ साथ आपको वहाँ पे भी पावर कंट्रोल्ड सीट्स मिलती हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और इसके साथ ही काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपकी राइड को एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बना देंगे और इसके प्राइस टैग को जस्टिफाई भी करेंगे। एक जो मेजर USP है इनोवा हाई क्रॉस का वो है ये सेकेंड रो ऑटोमन सीट्स। यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल ऑटोमन सीट्स मिल जाती हैं। अगर आप एक शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं, आपको हमेशा पीछे वाली सीट पे ट्रैवल करना पसंद है, तो ZX ऑप्शनल वेरिएंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमन सीट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं जो इसके पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर देते हैं। कैबिन काफ़ी एरी है, पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलती है जो इसके एरीनेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अपने सेगमेंट में ये वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल MPV बन जाती है। तो फ्यूल डलवाने के बाद इसका जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का मीटर है उसे करते हैं 0 और इसके साथ ही साथ हम ट्रिप मीटर को भी कर देंगे 0। ट्रिप मीटर भी यहाँ पे 0 है। अब हम इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड को ड्राइव करने वाले हैं 60-70 किलोमीटर सिटी ट्रैफिक में और उसके बाद फिर से टैंक फुल करवाएंगे ऑटो कट मेथड से और वहाँ पे हम देखेंगे कि इसने कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दी है। इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड चलाने में कैसी है? अगर आप चाहते हैं एक कंफर्टेबल कार जिसमें आपको एक एम्पल स्पेस मिल जाए, एक बढ़िया राइड क्वालिटी मिले और पावरफुल इंजन मिले विद फ्यूल एफिशिएंसी, तो इनोवा हाई क्रॉस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। चलाने में ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता ही नहीं है आप एक लंबी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं।
इसके साइज के हिसाब से इसकी जो हैंडलिंग है वो काफी अच्छी करी गई है। अगर आप सिटी में डेली ड्राइव करते हैं तो आप खुद भी इसे चलाना चाहते हैं तो आपको वो फील नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। राइड क्वालिटी, सस्पेंशन की ट्यूनिंग काफी अच्छी करी गई है, सीट की बोल्स्टरिंग अच्छी है, सीट की कुशनिंग अच्छी है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलता है सीट का और कंफर्ट का वो काफी अच्छा मिलता है। हाई स्पीड मनूवर आपको करने हैं अगर आपको कहीं सडन ओवरटेक्स करने की जरूरत पड़ जाती है सिटी में या हाईवे पे, तो आपको इनफ ग्रंट मिलता है, यहाँ पे आपको इनफ पावर मिलती है। जो हाइब्रिड सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है उसकी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया मिल जाती है, क्योंकि ईवी मोड बहुत जल्दी किक इन होता है अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं या फिर सिटी में आप लाइट फुट से भी ड्राइव करते हैं तो ईवी मोड कभी कभी स्विच ऑन हो जाता है जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को काफ़ी इफेक्ट कर देता है। ओवरऑल यहाँ पे जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिलती है, चारों डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो ब्रेकिंग में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो चीज़ नहीं फील होगी। एक जो डाउनसाइड है वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा ज़रूर मिलता है बट उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। दिन में तो आप फिर भी उसे मैनेज कर सकते हैं बट रात को उसमें जो पिक्सलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव होती तो वो इसके प्राइस को और ज़्यादा जस्टिफाई कर पाती। दूसरा एक जो डाउन साइड है वो है अंडर साइज टायर्स। यहाँ पे आपको 18 इंच के टायर ज़रूर मिलते हैं बट उनका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा स्किनी है, तो अगर वो प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता तो आपको और कम्फर्टेबल और प्लश राइड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाता। बट ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए और इससे आप क्रूज करना चाहते हैं हाईवेज पे, अपने इंटरसिटी रन्स करना चाहते हैं, आप सिटी के आउटसाइड जाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी इसे आराम से ले जा सकते हैं। टर्निंग रेडियस गाड़ी का बहुत अच्छा है जैसा कि मैंने बताया, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है तो टर्निंग रेडियस में भी वो हेल्प करता है, आप इजीली यू टर्न्स ले सकते हैं। आपको गाड़ी की लेंथ इतना पता नहीं लगेगी अनटिल और अनलेस आप टाइट पार्किंग स्पॉट में हैं या फिर आप बहुत ही नैरो लेन्स में हैं, वहां पे थोड़ा इशू लेंथ को लेके हो सकता है। तो सिटी का ट्रैफिक अब शुरू होता हुआ, अब तक हमने 30 किलोमीटर ड्राइव करा है जिसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है मीटर 25 kmpl व्हिच इज प्रीटी गुड। सो टिल नाउ जो अब तक का कवर्ड डिस्टेंस है वो है 45 किलोमीटर और अब तक जो मीटर पे फ्यूल इकोनॉमी आ रही है वो है 22.4 kmpl। ये इकोनॉमी थोड़ा ड्रॉप हुई है पिछला जो अपडेट था उससे क्योंकि अब काफ़ी कंटिन्यूस ट्रैफिक मिल रहा है, रेड लाइट्स मिल रही हैं, तो फाइनल अभी हम इसे 30 किलोमीटर और चलाने वाले हैं, 30-40 किलोमीटर, उसके बाद फिर से हम टैंक को रिफिल करवाएंगे ऑटोकट मैथड से और वहाँ पर देखते हैं कि जो टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस से फ्यूल इकोनॉमी है वो कितनी आती है। नाइन्टी 2 किलोमीटर्स चलाने के बाद हम एक बार फिर से इसका फ्यूल टैंक अब रिफिल करवाएंगे ऑटोकट मेथड से और देखते हैं कि गाड़ी ने कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दी है। टैंकफुल टू टैंकफुल बेसिस से हमने इसे 92 किलोमीटर चलाया जिसमें हमें ट्रैफिक भी मिला, जिसमें हमें खाली रोड्स भी मिली, तो उसके बाद गाड़ी ने जो टैंकफुल टू टैंकफुल बेसिस पे माइलेज दिया है वो है 21.8 kmpl जो कि एक काफ़ी फिनोमिनल माइलेज फिगर है इस गाड़ी के साइज़ को देखते हुए। हाइब्रिड पावर ट्रेन का यही फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे एक ईवी ड्राइव मोड मिल जाता है जिसकी वजह से माइलेज एनहांस हो जाती है और आपको इतनी फिनोमिनल फिगर्स मिल पाती हैं स्पेशली सिटी ड्राइविंग में। ये फिगर्स और भी बढ़ सकती हैं अगर आप इसे हाईवे पे ड्राइव करते हैं। क्लेम्ड इकोनॉमी है समवेयर अराउंड 23 kmpl
और माइलेज रन में 21.8 kmpl तक जाना एक काफ़ी अच्छा फिगर है सिटी ड्राइविंग के हिसाब से। आपके क्या व्यूज़ हैं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।